बस का इंटीरियर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आज, और आज ये जर्नी देखिए आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग ही इंटीरियर बनाया है। और एक दो चीज़ ये आपको लग रही होगी क्या अलग है, ये तो ये जो है ना, हाँ देख लीजिए, बिल्कुल क्लीन वॉशरूम बना हुआ है। जो भी समझदार ऑपरेटर्स हैं वो लोग वॉशरूम रखते ही हैं आजकल। ये इंदौर दिल्ली और अहमदाबाद दिल्ली, ये रूट आजकल क्या है ना, फुल मतलब फॉर्म में है। तो स्वागत है आप सभी का बसेस क्लिक की एक और नई वीडियो में। आज की अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा खास रहने वाली, क्योंकि आज अपन ट्रैवल करेंगे एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस बस में। दिल्ली से इंदौर जाएंगे अपन, और अपन जाएंगे बाबू ट्रैवल्स की भारत बेंच एसी स्लीपर बस में विथ वॉशरूम वाली। बस का इंटीरियर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है आज, और आज ये जर्नी देखिए आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अलग ही इंटीरियर बनाया है। बस जो जेसी से बनी हुई है, और हाँ बहुत बढ़िया काम करा है। तो पूरा बताऊँ आपको इस वीडियो में कैसा रूट है अपना, कैसा सुविधा है बस के अंदर, कैसी एमिनिटीज़ और क्या स्टाफ, कैसे बोर्डिंग, क्या फेयर, सब बताऊँगा आपको मैं। चलिए करते हैं जर्नी को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के बारे में। बस अपनी रहेगी भारत बेंच एसी स्लीपर बस, और देख लीजिए यहाँ पे खड़ी हुई बस आपको दिखा देता हूँ। और देख लीजिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्यूल टोन में है, ऊपर से ब्लैक कलर का और नीचे से ग्रे या सिल्वर टाइप कह सकते हैं आप। आगे से भारत बेंच की बैजिंग कर रखी है, और वही एमपी की बस है तो एमपी रजिस्टर्ड है, हालांकि हेड ऑफिस जैसे कोटा होता है बाबू ट्रैवल्स का। और देख लीजिए साइड में भी बाबू की बैजिंग कर रखी है, और ये जो है वॉशरूम वाला एरिया है पूरा, तो बताऊंगा मैं आपको। देख लीजिए 13.5 मीटर की बस है अपनी, यहाँ पे लिख रखा है देख लीजिए बेंच, और इमरजेंसी एग्जिट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। पीछे से भी देख लीजिए वॉल्वो जैसे लुक देने की कोशिश करी है, और ये सब जो है एड्रेस लिखा हुआ है जो हेड ऑफिस है उसका, भारत बेंच का लोगो, बाबू की बैजिंग और जेसी की बैजिंग। बाकी ये सब जो एमिनिटीज़ होती है ये सब लिखी हुई है, ऊपर सीसीटीवी कैमरा भी है। और ये देख लीजिए पार्किंग ऐसी कुछ है, ये खड़ी जय श्रीनाथ जी वाली और अंशी, और ये झाकड़ की जिसमें मैंने वीडियो बनाई थी, और ये जा रही है, ये भी झाकड़ की है, तो ये सब खड़ी हुई है यहाँ पे। बाकी देख लीजिए साइड से भी ऐसा कुछ लुक है और अच्छा लग रहा है। मेरा जो स्लीपर ये वाला है लोअर का, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको अंदर से। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है बिजनेस क्लास, वाकई में बिजनेस क्लास बस है ये। देख लीजिए बाबू की बैजिंग, यहाँ पे जिसकी की बैजिंग कर रखी है। चलिए आपको इंटीरियर दिखाते हैं अब। देख लीजिए ऐसा कुछ इंटीरियर है बस का, भारत बेंच की बस है और बिल्कुल ब्रांड न्यू बस है। ये वॉशरूम रहने वाला है बस का कुछ, हाँ देख लीजिए बिल्कुल क्लीन वॉशरूम बना हुआ है, ओनली यूरिनल पर्पज से है, बट काफ़ी अच्छा वॉशरूम बना हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं इंटीरियर। देख लीजिए ऐसा कुछ इंटीरियर है, पिलो मिलते हैं अपने को सेपरेट, हालांकि इनबिल्ट भी है पर सेपरेट मिलते हैं अपने को। ब्लैंकेट हो गया, बेडशीट बिछे बिल्कुल क्लीन, आगे जो है बॉटल होल्डर प्लस कुछ सामान या शूज़ रखने के लिए आपके लिए जगह है। ऊपर एसी के ब्लोअर्स मिलते हैं अपने को, रीडिंग लाइट, और वहाँ पे भी एक एसी के ब्लोअर हो गए। पिलो यहाँ पे दो मिलते हैं, बाकी यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, साथ में मोबाइल होल्डर भी है जो कि आपको दिख रहा होगा। आपको सिंगल स्लीपर दिखा देते हैं, देख लीजिए ऐसा कुछ सिंगल स्लीपर है, सारी चीज़ें सेम रहती है। और एक दो चीज़ ये आपको लग रही होगी क्या अलग है, ये तो ये जो है ना, मतलब ये तो मल्टीपिन हो गया पोर्ट, किसी किसी को अगर खाली सी टाइप से या फिर यूएसबी टाइप ए से चार्ज करना है तो वो अलग से है, तो ये चीज़ भी खास है। बाकी बैकरेस्ट अच्छा खासा पीछे तक, और ये पिलो हो गया, और पीछे तक देख लीजिए आप लोग ऐसा कुछ है यहाँ पे।
से आप लोग देख सकते हैं, और गुरुग्राम से आप लोग बोर्डिंग कर सकते हैं इफ्को चौक से। तो ये सब रहता है बाबू ट्रेवल्स की, मतलब एक दिन में तीन गाड़ियाँ रहती है, एक 6 बजे दिल्ली से, एक 7:30 बजे और एक 7:45 बजे। तो जो 7:30 बजे और 7:45 बजे है उसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ये गाड़ी 7:30 बजे की है और इसके बाद जो है 7:45 वाली गाड़ी है। तो 15 मिनट गैप है, बट गाड़ी जो है मुझे ये वाली अच्छी लगी। उसका इंटीरियर में देख के आया था, उसका इंटीरियर अच्छा है, वॉशरूम वगैरह उसमें भी है, बट हाँ जो मक्खन होता है ना ऊपर की, वही अच्छी चीज़ होगी, उसका मक्खन होता है, तो मक्खन इसमें है ऐसा कहना चाहूँगा मैं तो। और फेयर मैं बताऊँगा आपको अभी आगे चल के, सब उसका भी बताऊँगा, जो पहले वाली गाड़ी जो मतलब पीछे आ रही है अभी, और इसका भी बताऊँगा, सब बताऊँगा आपको मैं, और शेड्यूल भी बताऊँगा, वहाँ से टाइमिंग जो रहता है वो बताऊँगा अभी रेस्ट स्टॉप पर आराम से। बात करें रूट की, तो रूट अपना रहेगा दिल्ली से इंदौर, वाया अपन जाएंगे कोटा, और फिर कोटा से अपन लोग झालावाड़ होते हुए उज्जैन पहुँचेंगे, उज्जैन से अपन जो हैं जाएंगे इंदौर। ये मतलब पूरा पूरा रूट जो राजस्थान के थ्रू रहता है, इस जैसे एक रूट जो है वाया ग्वालियर रहता है, ये रूट जो है राजस्थान से कोटा से होकर जाता है, मतलब है ना। तो ये बात है, और बात करें ऑपरेटर की, तो ऑपरेटर बाबू ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छा ऑपरेटर है। हालांकि मेरी जो है पहली वीडियो है इनके साथ में, मैंने पहले बनाई भी होगी तो वैसे मतलब जर्नी की नहीं बनाई थी, एक नॉर्मल बस खड़ी हुई तब की बनाई थी, वो भी मेरे ख्याल से मैंने अपलोड नहीं करी थी। तो हाँ, अच्छा ऑपरेटर, काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करी है। इनके रूट्स जो रहते हैं मोस्टली कोटा से रहते हैं, जैसे लखनऊ कोटा, और कोटा से अहमदाबाद, कोटा से दिल्ली, कोटा से हरिद्वार, देहरादून। तो हाँ, ये रूट्स रहते हैं इनके और अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि राजस्थान का एक ऑपरेटर, और ख़ासकर कोटा का, जो जहाँ पर मतलब बहुत कम ऑपरेटर्स हैं, तो वहाँ का एक मतलब ऑपरेटर जो है प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा लगता है मुझे भी पर्सनली, उनकी ग्रोथ मतलब मुझे अच्छी लगती है। बाकी अपने स्लीपर देख लीजिए, अच्छा खासा लंबा स्लीपर है, सोने में मुझे दिक्कत नहीं आने वाली आज। और ऊपर जो है रीडिंग लाइट लगी हुई है, जिसको मैं बंद भी कर सकता हूँ ऐसे, और एक चालू भी कर सकता हूँ। तो ये अच्छा हो गया कि भाई लाइट की जरूरत थी मुझे, तो सही रहा ये। अभी मेरे ख्याल से अपन लोग एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे और एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, और फिर अपना मेरे ख्याल से रात को कुछ 12 बजे अप्रोक्स डिनर हॉल्ट आएगा, और फिर मैं तो खाना पीना करूँगा। बाकी अपने को ये देख लीजिए, बस में अपने को जो है ये 500 ml पानी का बोतल मिल जाता है, जो कि चिल्ड, अच्छी बात ये है। हालांकि अभी तो थोड़ा फिर भी नॉर्मल हो गया, पर मेरे को बिल्कुल चिल्ड मिला था, ये चीज़ अच्छी है। बाकी ब्लैंकेट और जो बाकी सुविधा है, बेसिक अम्यूनिटीज सब मिलती है अपने को, ये चीज़ अच्छी है। और वॉशरूम जो है इनबिल्ट है, तो इस वजह से क्या है ना, बार बार रुकने का काम भी नहीं है, तो ये बात है। बाकी बातें करता हूँ फिर रेस्ट स्टॉप पे, अभी के लिए आप लोग केबिन रेट देखिए। और जी, अभी अपना आ चुका है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट और डिनर करने के लिए। अपन लोग आके रुके हैं यहीं हाईवे पे, जैसे एक ही रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल से देसी टिक्कर नाम है, या पता नहीं क्या है, वो बताऊंगा आपको। और जर्नी अच्छी खास चल रही है, देख लीजिए यहाँ पे अपनी गाड़ी, तो यहाँ पे खड़ी हुई है, ये खड़ी गजराज ट्रैवल्स, और उधर खड़ी है श्रीनाथ, और अभी महादेव भी निकली है, महादेव देख लीजिए निकली है अभी वहाँ पे। तो हाँ, पहले खाना पीना कर लेता हूँ और फिर आपसे और बातें करता हूँ, फेयर वगैरह बताता हूँ मैं आपको, और रेस्टोरेंट कैसे ये बता देता हूँ मैं आपको, हालांकि 2-3 बार आया हूँ मैं यहाँ पे। तो जी, हो चुका है अपना खाना पीना, मैंने जो है एक पनीर की सब्ज़ी और साथ में रोटी और छाछ लिया था, छाछ मैंडेटरी, वैसे मैं नींद नहीं आती मुझे, तो ये दिक्कत है। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे आ चुकी है ये बाबू ट्रेवल्स की ही दूसरी गाड़ी, जो कि ये मैंने बताया ना आपको, एक 7:45 बजे रहती है, तो ये वो वाली गाड़ी है, तो बिल्कुल 15 मिनट गैप में चलती है, अपने से जस्ट बाद में आ गई थी ये। देख लीजिए, अच्छी गाड़ी लग रही है देखने में तो, बट हाँ जैसा मैंने बताया आपको, ये गाड़ी अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं बोल रहा, बट ये गाड़ी जो है इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इससे बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल मतलब कमी गुंजाइश थी थोड़ी इसमें,
तो मैंने जो है मतलब आज ऑफिस बुकिंग कराई थी बाबू ट्रेवल्स से, जो इनका मतलब होता है ना कॉल वाला जो बुकिंग होता है जिसमें मतलब आपको सीट ब्लॉक होता है ऑनलाइन, वैसे मैंने करा था। तो उसमें इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे, जैसे एक तो ये वाली गाड़ी है, अगर आप बोलेंगे बिजनेस क्लास में करना है तो आपको 7.5 वाली गाड़ी में करेंगे, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, बाकी इतना आप लोग समझ जाएंगे कि 7.5 वाली गाड़ी और 7.25 वाली गाड़ी जो है अलग अलग है। बाकी हाँ, ये भी देखने में अच्छी लग रही है, सब कुछ मैं इंटीरियर देख के आ चुका हूँ, वॉशरूम इसमें भी है और वही सेम शटर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो हाँ, इसमें भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं कि गाड़ी बुरी है, बट हाँ जो कंपेयरमेंट बता रहे आपको। बात कर लेते फेयर की, तो फेयर जो मैंने पे किया है वो किया है कुछ 1680 रुपये लगभग, हालांकि 1500 रुपये इसका बेस फेयर रहता है, पर 1500 रुपये जो होता है शेयरिंग में एक स्लीपर का होता है, तो मेरा सिंगल स्लीपर तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट हाँ ये फेयर जो डायनेमिक रहता है, कई बार ऊपर नीचे होता रहता है, हो सकता है आपको इससे कम में मिल जाए, हो सकता है ज़्यादा में मिल जाए, तो ये बात रहती है। आप लोग मैं कमेंट्स में ये मत बोलना कि भाई साहब आपने जो फेयर बताया वो तो है ही नहीं। बात करें रेस्ट स्टॉप की, रेस्ट स्टॉप अच्छा खासा बना हुआ है, वॉशरूम्स और सब कुछ अच्छा है, और ये आज तो जो इसके रेस्ट स्टॉप के ओनर है वो भी मिल गए थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पर कभी आप टिकट टेस्ट करिएगा। तो हाँ, आप में से बताइए मुझे, अलवर से कोई देख रहा है अगर टिकट क्या होता है और क्या चीज़ होती है। अभी जैसे मैं नहीं खा पाऊँ क्योंकि मैंने खाना पीना कर लिया, बट हाँ कभी और आएंगे टेस्ट करेंगे बिल्कुल। अभी के लिए मैं जाके रेस्ट करूँगा, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे पे कोई ओवरटेक्स वगैरह कुछ नहीं आते। एक चीज़ जो है आप लोग को जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि ये जो है एक्सप्रेसवे से आप जयपुर वाली एग्जिट नहीं लेंगे, ये लेंगे एग्जिट सवाई माधोपुर वाली, क्योंकि इनको कोटा जाना डायरेक्ट, जयपुर में कुछ काम नहीं अपने जाने का, तो ये बात है। बाकी अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं हम सुबह सुबह। अभी अपना आ चुका है एक 15-20 मिनट का हॉल्ट नाश्ता वगैरह करने के लिए और वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। देख लीजिए पीछे बस खड़ी हुई अपनी, ये लोग जो है यहाँ पे जो बस का वॉशरूम है उसके अंदर पानी भी भर देंगे ताकि इनको दिक्कत ना आए, इनको क्योंकि कल तक चलाना है अभी, क्योंकि दिन में निकल जाते हैं वापस, दिन में या फिर मेरे ख्याल से शाम को निकल जाते हैं वापस, टाइमिंग बता दूँगा मेरे को पता नहीं अभी। और भाई साहब जो नींद आई है ना मुझे अच्छी खासी, मैं बस होटल से निकलते सो गया था और अभी भी जस्ट जाके उठाऊँ, और मेरा जो स्लीपर था वो था टी नंबर का, जो कि ये बेंच लिखा हुआ है ना इसके जस्ट आगे वाला लोअर वाला था। बट हाँ ये चीज़ माननी पड़ेगी आजकल कि भाई भारत बेंच से कोई भी हो, ऐसा होता है ना पहले कि पीछे वाले में या फिर टायर के ऊपर वाले परेशान होते थे, अब वो जमाने गए भाई साहब, तो मतलब को पता भी नहीं चलता कि पीछे हो कि आगे हो, कुछ पता नहीं चलता, तो ये बहुत माननी पड़ेगी। देख लीजिए एग्जैक्टली ये वाला है मेरा, ये बता रहा हूँ ना, है ना, तो हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी। बाकी अभी
कुछ नाश्ता वगैरह तो शायद ही करूँगा क्योंकि मन तो हो नहीं रहा, बट देखूँगा अच्छा मिल रहा हो कुछ तो कर लूँगा, क्योंकि मेरे को आगे जाके इंदौर में थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा क्योंकि मेरे को मतलब काम है, और फिर मेरे को शाम को उज्जैन के लिए निकल के फिर पुणे जाऊँगा मैं। और वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे ठीक ठाक बने हुए हैं, ज़्यादा मतलब अच्छे नहीं हैं, बट मैं ज़रा उसको देखेंगे क्योंकि अपनी बस के ना ऑलरेडी वॉशरूम है, बट हाँ थोड़ा सा बेटर हो सकता है, पर कोई नहीं, चलो हो सकता है इस पर मिला नहीं, क्योंकि मैं आज तक जब भी यहाँ पे आया हूँ मतलब ये वाले हाईवे पे कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट मिला नहीं है। बाकी देख लीजिए, ये है श्री महाकाल फैमिली रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, 100% शुद्ध एवं शाकाहारी, और ये है अभी सोयत कला में, है ना, सुसनेर आगर रोड सोयत कला, यानी कि अपन लोग MP मध्य प्रदेश में एंटर कर चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। अभी थोड़ा तो खाना पीना कर लेता हूँ यार, देखता हूँ कुछ चाय वगैरह पी लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्या एनर्जी से आ जाए, फिर आपसे बात करता हूँ। और जी यहाँ पे मैंने चाय ले ली, एक 10 रुपये की चाय है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाश्ता पानी ज़रा कुछ करूँगा नहीं यार, वड़ा पाव वगैरह मिल रहा है बट मन नहीं है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं बस के बारे में कि टाइमिंग बस का इंदौर से क्या रहता है, तो इंदौर से अगर आपको ये वाली बस चाहिए जो मेरी वाली है वो 5:15 बजे है, जो ये वाली है जो दिख रही होगी आपको ये है कुछ 4 बजे लगभग, और एक जो इसके सबसे बाद में जो मेरे ख्याल 6 बजे लगभग है वो दूसरी है जो वहाँ से 6 बजे निकली थी, तो ये रहता है। और एक जो पर्सनल एडवाइस मैं आपको दूँ अगर मतलब मानना चाहे अगर आप, तो कि आप लोग प्रेफर करिएगा कि आप लोग राजस्थान के ऑपरेटर देखें इस रूट पर, राजस्थान के या फिर जो मध्य प्रदेश साइड के। एक अभी क्या है ना, आजकल ये रूट जो है ना ये इंदौर दिल्ली और अहमदाबाद दिल्ली, ये रूट आजकल क्या है ना फुल मतलब फॉर्म में है। फॉर्म में कैसे कि भाई साहब सवारियाँ बढ़ती जा रही है, मतलब जितनी गाड़ियाँ लगा उतनी गाड़ियाँ कम है, तो आने वाले टाइम में तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। अभी देख लीजिए बाबू ट्रेवल्स की इस पर एक गाड़ी चलती थी, अब आज के टाइम पे 3 गाड़ियाँ हो चुकी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स आ चुके हैं, जैसे चाकर ट्रेवल्स आ गया इस रूट पे, MR ट्रेवल्स आ गया, BR आ गया, गजराज आ गया, गजराज वैसे पहले से था, BR भी पहले से था, बट MR और झाकर अभी भी आए हैं। और जो ये दिल्ली के ऑपरेटर्स हैं, राज कल्पना, BSS कूल और खुजराव, ये सब जो है अभी भी आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये रूट जो है ना कहीं बढ़ता जा रहा है बहुत सही से, और अच्छी बात भी है कि भाई लोग जो हैं बसेस को प्रेफर कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई बुरी बात नहीं लगती। बट यहाँ के जो ये राजस्थान के ऑपरेटर्स या फिर जो मध्य प्रदेश के ऑपरेटर्स हैं, इनकी एक चीज़ अच्छी है कि ये लोग जो हैं बस के ऊपर यहाँ पे सामान नहीं रखते भाई। हालांकि देखिए मुझे जो पूरी पूरी नॉलेज है इस बिज़नेस की, बट मुझे पता है इस रूट पर अगर मतलब लगेज रखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट है। समझ लीजिए गाड़ी अगर 10 रुपये कमा रही है तो वहाँ 15 रुपये कमा सकती है, मतलब एक टाइप से तो 1.5 गुना फ़ायदा है। बट ये ऑपरेटर को डिपेंड करता है कि वो सेफ्टी कितना प्रेफर करता है, जो पैसेंजर आ रहे हैं उसकी मतलब सेफ्टी कितना प्रेफर करता है वो, तो ये बात है। तो अपना ऑपरेटर से मतलब सही से चूज़ करिएगा, मैं किसी ऑपरेटर का नाम नहीं लूँगा, बट आप लोगों को पता है देखिए कौन लगेज रखता है कौन नहीं रखता है, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ इसमें ऐसे। हाँ लगेज अगर डिक्की में मेरे ख्याल से शायद तक हो सकता है, वो भी मेरे को पता नहीं है कि नहीं है, बट ऊपर कभी भी नहीं दिखेगा, और कभी दिखता भी अगर आप लोग को तो मुझे फ़ोटो खींच के भेजिए और मैं कंपनी को भेजूंगा, क्योंकि कंपनी वाले ने मुझे बोला कि इसमें कभी हम लोग लगेज रखते नहीं हैं, तो ये बात है। अभी के लिए कंटिन्यू करें जर्नी को, अभी उज्जैन आएगा और फिर आएगा इंदौर मेरे ख्याल से कुछ 10 बजे लगभग, देखते रहिए आप लोग।
और जी आ चुके अपन लोग इंदौर। टाइम अभी हो रहा है 10:15, तो हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सही टाइम पे उतार दिया है। मैं उतरा हूँ यहाँ पे 3 इमली स्क्वायर पे, और लास्ट मेरे ख्याल से नवलखा बस स्टैंड जाती है बस, या पार्किंग वहीं पे रहती है। यहाँ पे जो है 3 इमली में बोर्डिंग या डिबोर्डिंग रहती है शॉप नंबर 247, बाबू धारीवाल ट्रेवल्स जो मेरा अटैच में कर रखा है इन लोगों ने, तो वहाँ से बोर्डिंग रहती है। तो हाँ जर्नी ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी रही भाई साहब, और आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं तो रिकमेंड करूँ, क्योंकि क्या है ना फेयर जो है वो भी सही है, और मतलब होता है ना कि बहुत सारी बसेस का फेयर इस रूट बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप लोग के लिए सही है ये, और सुविधाएँ भी अच्छी है, खास करके जो भी ओल्ड एज वाले उनके लिए वॉशरूम वगैरह की सुविधा है। और मैं मानता हूँ वॉशरूम जो है आजकल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी चीज़ हो चुकी है, क्योंकि जो भी समझदार ऑपरेटर्स हैं वो लोग वॉशरूम रखते ही हैं आजकल, तो ये बात है। इनकी जो तीनों गाड़ी के ना वॉशरूम है बाबू ट्रेवल्स के, और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है ये वॉशरूम वगैरह रखना। एक चीज़ तो बताना भूल गया था मैं आपको कि इंदौर से दिल्ली जो है 3 रूट बनते हैं, एक वाया ग्वालियर होके, एक वाया मंदसौर होके, और एक वाया कोटा होके। तो ये अपनी वाली बस थी वाया कोटा होके थी, और ये जो है मतलब ये और एक ग्वालियर वाला ये फास्टेस्ट है, बाकी एक मंदसौर होके मेरे ख्याल से एक दो गाड़ी रहती है अशोक मंदसौर ट्रेवल्स की। तो हाँ ये मतलब तीनों रूट रहते हैं, तो आप लोग ये देख के आइए किस कौन से रूट से आ रहे हैं आप लोग, ताकि टाइम आपको उतने लगे। बाकी ओवरऑल जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही जैसे बताया मैंने आपको। अभी के लिए मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, डिटेल्स मैंने सारी आपको दे दी है। इंदौर के जो डिबोर्डिंग पॉइंट हो गए कुछ स्क्रीन पे दूँगा ताकि आप लोग आराम से देख सकें। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा, क्या बेटर हो सकता है, शेयर कीजिएगा ताकि आपके लिए मैं और वीडियोस ला सकूँ, और सब्सक्राइब के चैनल को। तो मिलते हैं आप लोग किसी और नए वीडियो में, किसी और नई जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।